नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोड शो में शामिल हुई। कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट पर रोड शो निकाला गया था, यहीं से सीएम सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। खुले वाहन में सवार मथुरा सांसद ने लोगों का अभिवादन किया। हेमा मालिनी के एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी नजर आईं। बीजेपी की नजर तीसरी बार राज्य में सत्ता पर वापसी पर है। इस दौरान हेमा मालिनी ने लोगों से अपील की कि वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर लाडवा और पूरे हरियाणा में कमल खिलाएं। वहीं सीएम सैनी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में लौटेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने बोला, कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है। पिछले दो चुनावों की तरह 5 अक्टूबर को चुनाव में भी लोग उन्हें खारिज कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी के सत्ता में लौटने पर हरियाणा का तेज गति से विकास किया जाएगा। एक्स पर पोस्ट कर रोड शो के बारे में जानकारी देते हुए नायब सिंह सैनी ने लिखा, चुनावी अभियान की अंतिम बेला में लाडवा में विशाल रोड शो किया। मेरे विधानसभा के परिवारजनों ने जिस उत्साह और उमंग के साथ रोड शो में हिस्सा लिया, उसके लिए तहे दिल से आभार। लाडवा की देवतुल्य जनता जनार्दन 8 अक्टूबर को भारी मतों के साथ कमल खिलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। सीएम सैनी ने आगे ये भी लिखा कि न केवल लाडवा बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम यह बता रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आने वाली है, जिसमें कांग्रेस चारों खाने चित हो जाएगी। मेरा आपसे वादा है कि लाडवा से विकास में कोई कसर नहीं रहेगी, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के इस रोड शो में शामिल होने पर उनका नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद किया। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी क्या लाडवा से बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।